नमस्कार न्यूज में स्वागत है आपका मैं हूं रफी समी। ईडी के द्वारा पांचवी बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन भेजा गया आज उन्हें तलब किया गया था लेकिन पांचवी बार सम्मन जाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे जिस तरह से आज उनका पलामू में कार्यक्रम है बताया जा रहा है कि वो पलामू जाने के लिए तैयार है जमीन घोटाले से मामला जुड़ा है जिस पर लगातार ईडी पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब कर रही है और पूछताछ के लिए बुला रही है सीधे तस्वीर आप देख सकते हैं न्यूज विंग टीवी में कि जो ईडी कार्यालय है रांची के रोड स्थित ईडी कार्यालय जहां मुख्यमंत्री को आना था लेकिन पांचवी बार सम्मन भेजे जाने के बावजूद भी वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं हालांकि इस मामले को लेकर के ईडी के खिलाफ जो है वो हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं और कई तरह के बातें भी सामने निकल करके आ रही है दूसरी तरफ ईडी जिस तरह से जमीन घोटाले मामले को लेकर के लगातार जांच पड़ताल कर रही है और इस जांच पड़ताल में ईडी ने जमीन से जुड़े घोटाले मामले पर कई रांची के प्रसिद्ध व्यवसायी अधिकारियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध व्यापारी जो है विष्णु अग्रवाल वो जमीन घोटाले मामले से ही जुड़े ईडी के गिरफ्त में आए और वो आज सलाखों के पीछे है वही दूसरी तरफ बात करें तो ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को भी जमीन घोटाले मामले में लिप्त पाया और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया वहीं तार जुड़ता गया और कई अधिकारी कई जो प्रसिद्ध चेहरे है वो आज सलाखों के पीछे है इसी के तहत जमीन घोटाले से मामले जुड़े को लेकर के ईडी का जो है सिकंजा मुख्यमंत्री तक पहुंचा और उनसे पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया गया आज पांचवी बार तलब किया गया हालांकि मुख्यमंत्री आज पांचवी बार भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं हमेशा की तरह इस बार भी जो सी से डाक आता है लेटर आता है उन्हें भेज दिया गया है वो अभी फिलहाल जो है डाकिया जो है वो अभी अंदर ईडी कार्यालय में है डाक जो है रिसीव कराते नजर आ रहे हैं तो कह सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब किया जा रहा है और पांचवी बार भी वो ईडी जो है कार्यालय नहीं पहुंचे हैं हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी मनीष जानेंगे कि जिस तरह से लगातार पांचवी बार तलब किया गया है ईडी कार्यालय के तरफ से लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आए आज मुख्य क्या कारण रहा होगा क्योंकि आज उनका कार्यक्रम भी है देखिये सबसे पहली बात है कि पांचवी बार है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा गया था लेकिन पहले से उनका प्रस्तावित कर सकते हैं तय कार्यक्रम निर्धारित था कि वहाँ पे जाना है सरकारी कार्यक्रम है उन्हें उपस्थिति होना है और लेकिन ये से पहले से कहा जा रहा था दो दिन पहले से बताया जाता है मुख्यमंत्री इस बार फिर से एक बार नहीं पहुँचेंगे ईडी कार्यालय और ये लगातार कह सकते हैं कहीं ना कहीं पहले सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने रिट दायल किया था सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ट्रांसफर किया अब हाई कोर्ट में अभी तक कह है सकते हैं कि इधर तर पूरी तरह से फैसला नहीं आ चुका है अगर हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है लेकिन एक तरह से इसका कहते हैं राजनीतिकरण इसको लगातार इसमें बढ़ता ही जा रहा है जिससे जेम एम अब स्पष्ट तौर पर कहना शुरू कर चुका है कि ये सिर्फ राजनीति की है ये एक तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इमेज को धूमिल करने की जो मंशा है वो खासकर पार्टी का नाम अब ले रहा है कि बीजेपी के द्वारा ये किया जा रहा है उनके इमेज को धूमिल करने का जो सोच है बीजेपी का वो हम लोग कतई नहीं होने देंगे कानून संबद्ध जो भी होगा वो हम लोग करेंगे लेकिन अब कह सकते हैं ये पहली बार हो रहा है फिर कि झारखंड में किसी को पाँचवीं बार समन भेजने के बाद भी उपस्थित नहीं हो रहे वही अगर कह सकते हैं कि बीजेपी लगातार आवाजें उठा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है उन्होंने वो रहे है कि आखिर क्यों नहीं जा रहा आखिर क्या मनसा है ने दुबे ने भी सवाल उठाया था आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं दोनों तरफ तरह कहीं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है लेकिन ये भी देखना होगा कि आज के बाद क्या छठा समय में फिर से उनसे भेजने का काम करेंगे या ईडी को अलग से एक्शन लेने का मूड में होगी वाकई में देखने वाली बात होगी कि पांचवें संबंध भेजने के बाद ईडी क्या छठे संबंध भेजने की तैयारी करती है या फिर अलग से कोई एक्शन लेने के मूड में नजर आती है काफी महत्वपूर्ण बातें जो है मनीष ने बताया और जिस तरह से इस बाबत राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कह सकते हैं कि वार करते नजर आ रहे हैं जैसा कि विपक्ष जो झारखंड का विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि कानून पर कानूनी प्रक्रिया में मुख्यमंत्री को सहयोग करना चाहिए वहीं दूसरी तरफ जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी जो गठबंधन वाली सरकार है उनका कहना है कि केवल जान के एजेंसियों को यूज करके बीजेपी जो है वो विपक्ष को या फिर अन्य पार्टी को की छवि को धूमिल करने की बात कर रही है बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है ईडी का क्या कुछ एक्शन रहता है लेकिन ये आज कॉन्सेप्ट आज का भी पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि पांचवें संबंध वाले समय जो निर्धारित आज की तारीख मुकर्र की गई थी आज भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे। सीएमओ से जो डाकिया हमेशा भेजा जाता है वो भी आज भेजा गया है उस लेटर में क्या कुछ है या आने वाले समय में पता चलेगा फिलहाल ईडी क्या एक्शन लेती है और इस बाबत हाईकोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होती है ये भी देखने वाली बात होगी जुड़े रहे न्यूज विंग के साथ तमाम जानकारियां न्यूज विंग टीवी आप तक पहुंचाता रहेगा सहयोगी उदय के साथ रफी एक्स टी सिक्स हंड्रेड एच सी आर टी एम टी पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT एक्स टी के साथ